जाट महासभा ने गत दिनों चिकित्सक के साथ की गई मारपीट के मामले में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। जाट महासभा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर जाट ने बताया कि 11 मार्च को भंसाली हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर मनीष भंसाली के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने हॉस्पिटल में घुसकर मारपीट की थी, जिसकी जाट समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है। जाट ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और अगर अपराधी जाट समाज का भी हो तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जाट समाज ऐसे अपराधी तत्वों का कभी सहयोग नहीं करता। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरे जाट समाज को बदनाम करना अनुचित है। जाट ने बताया कि कुछ बाहुबली व धनबली व्यक्ति जाट समाज को बदनाम करने की नीयत से युवाओं को गुमराह कर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अतः ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में रूपलाल जाट, सुखपाल जाट, नंदराम, राजू जाट, बद्रीलाल जाट, लक्ष्मण जाट, रामलाल भदाला, हीरा जाट, राजेंद्र जाट, मोती जाट व अशोक चौधरी आदि शामिल थे। आज कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को जाट समाज ने मिलकर सामूहिक एक ज्ञापन दिया, उसमें उनको अवगत कराया कि जो आए दिन छोटी मोटी जाट समाज के नाम से जो घटनाएं होती है उसमें एक जाट समाज बदनाम होता है। तो हम सभी जाट समाज भाई निवेदन करने आए कि जो भी गलत काम कोई भी करेगा, चाहे वो जाट हो चाहे अदर जातियों का कोई भी सदस्य हो, उसके साथ जाट समाज नहीं है। जाट अच्छे काम करने वालों के साथ हैं, यही हम आज हमारे समाज का संदेश लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हुए। 11 मार्च 2019 को भंसाली हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष भंसाली के साथ जो मारपीट हुई है उसमें कुछ जाटों के लड़कों का नाम आ रहा है। हम जाट समाज के कोई भी व्यक्ति उन लड़कों के साथ नहीं है। जिन्होंने अपराध किया है वो सजा भुगते, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। हम सब ऐसे व्यक्ति जिनको लोग गुमराह करके उनको यूज़ ले रहे हैं और जाट समाज को बदनाम कर रहे हैं, इसके संबंध में एसपी साहब और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो इन युवाओं को भड़का रहे हैं और गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।